चलिए गाइस, आज का ये वीडियो काफी अमेजिंग होने वाला है, बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं प्रैक्टिकल रियल सिनेरियो बेस्ड जो है वो वीपीएन कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो कैसे किए जाते हैं, जहां पे पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क जो है वो दोनों ही अलग अलग जो है होते हैं, और जो ISPs होते हैं इन बिटवीन उनको बिल्कुल पता भी नहीं होता है कि कुछ इस तरह का डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं। यही पूरा प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं आपको, और साथ ही साथ जो है आप ये सारी की सारी जो लैब है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, सारी कमांड्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल ब्लॉग से, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। चले गए, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और एज यू कैन सी इट्स अमेजिंग लैब जो है यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर बनाई है। तो यहाँ पर आपके पास में एक तरफ में हम रियल सिनेरियो बेस लेके चल रहे हैं, तो प्रैक्टिकल देखना है अगर पूरा वीपीएन टनल का तो ध्यान से देखना कैसे ये इंप्लीमेंट होगा। मैं आपको जो है बिहाइंड द सीन भी दिखाने वाला हूँ। चलिए, यहाँ पे जो है रियल सिनेरियो इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क्स हम अलग अलग रखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में ये ग्रीन वाला जो है वो मुंबई का ऑफिस है, और लेट से हमारे पास में ये ऑरेंज वाला जो है वो दिल्ली ऑफिस है। दिल्ली ऑफिस का जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसका आईपी एड्रेस है क्लास बी का, विच इज 172.16.0.0/16, और जो मुंबई ऑफिस है उसका जो है हमारा क्लास सी का आईपी एड्रेस है, और बीच में हम इसके टनल क्रिएट करेंगे वीपीएन के, जिसमें हम क्लास ए का जो प्राइवेट नेटवर्क होता है क्लास ए का 10.0 वाला, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। और यहां पर जो है आपके पास में पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं लाइक 1.1.1, और यहां पर हमारे पास है 2.0.0 वाला, और यहां पे 3 वाला हमारे पास में नेटवर्क है जो कि पब्लिक नेटवर्क्स हैं, और ये सारे क्लासफुल हैं। और ये हमारा जो है राउटर रहेगा आपका मुंबई का, ये वाला अहमदाबाद का राउटर रहेगा, ये रहेगा जयपुर का, और ये रहेगा आपका फाइनली दिल्ली का। तो चलिए इसको कॉन्फिगरेशन जो है वो करना देखेंगे किस तरीके से आपका होगा। तो यहां पे पहले तो राउटर पे कंप्यूटर पे चलते हैं, इसका ये जो आईपी एड्रेस है इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, विच इज 192.168.10.2, बिकॉज 10.1 हम एज अ गेटवे यूज करेंगे, तो यहां पे ले लेते हैं 10.1। सो ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। इस पे क्लास बी का आईपी एड्रेस है तो मैं इसको भी ले लेता हूं। यहां पे ध्यान से देखना सो दैट कि आपको कोई भी स्टेप जो है मिस ना कर जाए, तो इसको भी देंगे हम 2, एंड 172.16.0.1 हम देंगे इसका एज अ गेटवे। तो चलिए अभी हम जो है दिल्ली ऑफिस और सभी पहले राउटर पे जो आईपी एड्रेसेस हैं इंटरफेसेस के उनको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, चाहे प्राइवेट है चाहे पब्लिक है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं नो, एनेबल करते हैं, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले होस्ट नेम चेंज करते हैं, तो इसका होस्ट नेम रहेगा मुंबई, और इसमें चलते हैं इंटरफेस F0/1 आईपी एड्रेस, और यहाँ पे आईपी एड्रेस रहेगा विच इज गोइंग टू बी 192.168.10.1.255.255.255.0, नो शटडाउन कर देते हैं। सेकेंड इंटरफेस रहेगा हमारे पास में पब्लिक का, विच इज गोइंग टू बी योर F0/0 आईपी एड्रेस रहने वाला है विच इज 1.1.1.1.255.0.0.0, क्योंकि क्लास ए का आईपी एड्रेस है, नो शटडाउन कर देते हैं। यहाँ पे मुंबई ऑफिस हमने कॉन्फ़िगर कर दिया मुंबई वाला राउटर, अब अहमदाबाद वाला राउटर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी हम करेंगे नो, एनेबल करते हैं, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले होस्ट नेम चेंज करके कर देते हैं ए बाद यानी अहमदाबाद, और उसके बाद में जो है हम यहाँ पे चलते हैं इंटरफेस F0/1 आईपी एड्रेस रहने वाला है विच इज गोइंग टू बी 1.1.1.2.255.0.0.0.0, नो शट डाउन। ध्यान से देखते रहना सो दैट कि आपको हर स्टेप मिले, बहुत इजीली कॉन्फ़िगर करेंगे हम यहाँ पे 2.0.0. इंटरफेस हमारे रहेगा F0/0 आईपी एड्रेस, सो आईपी एड्रेस रहेगा 2.2.0.0.1.255.0.0.0, नो शट डाउन। इसके बाद में चलते हैं हम आपके जयपुर राउटर पे, तो जयपुर वाले राउटर को भी हमने कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ स्क्रीन को, और ताकि आपको जो है इस तरफ कर लेते हैं काम करते हैं इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हम करते हैं नो और एनेबल करते हैं, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले होस्ट नेम चेंज कर देते हैं, लेट्स से जयपुर, और उसके बाद में इंटरफेस F0/1 आईपी एड्रेस रहेगा 2.0.0.2.255.0.0.0, एंड नो शटडाउन कर देते हैं यहाँ पे।
सेकेंड इंटरफेस हमारे पास है विच इज गोइंग टू बी योर F0/0 आईपी एड्रेस 3.3.3.1.255.0.0.0.0 नो शटडाउन। जयपुर राउटर का भी आईपी एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। फाइनली आ गए हम दिल्ली ऑफिस के उसमें। दिल्ली के लिए जो है आपका राउटर है इसको भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं, एनेबल करते हैं। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, होस्ट नेम चेंज कर देते हैं दिल्ली, और उसके बाद इंटरफेस F0/1 आईपी एड्रेस गोइंग टू बी 3.3.3.2 एंड 255.0.0.0 नो शटडाउन। सेकेंड इंटरफेस हमारे पास यहाँ पे रहने वाला है विच इज गोइंग टू बी F0/0 आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस के बाद हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं विच इज क्लास बी, सो 0.1.255.255.0.0. यहाँ पे चलते हैं नो शटडाउन। तो हमने यहाँ पे सभी कॉन्फ़िगरेशन जो है आईपी एड्रेस कर दिए। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब भी हम वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आपका ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस टू पब्लिक आईपी एड्रेस है ये आपस में रीच होना चाहिए। अभी ये नहीं होगा बिकॉज हमने यहाँ पे कोई भी बीच में राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर नहीं किया। आप चाहे कोई भी कर ले, बीजीपी कर ले, ओएसपीएफ कर ले, एआईजीआरपी कर ले, रिप कर ले या स्टैटिक कर ले। मैं यहाँ पे ओएसपीएफ करने वाला हूँ। ओएसपीएफ का जो प्रोसेस आईडी वो 500 रहेगा, ये एरिया 1 रहेगा, ये एरिया 0 और ये रहेगा आपका एरिया 2। तो चलिए इसको कॉन्फ़िगर करते हैं इस राउटर पे। हम सिर्फ पब्लिक आईपी एड्रेस को अपडेट करेंगे इसके अंदर में। तो यहाँ से करते हैं एग्जिट और यहाँ पे लिखेंगे हम राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 500। राउटर आईडी वगैरह मैं कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ, सीधा डायरेक्टली यहाँ पे नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ विच इज गोइंग टू बी 1.0.0.0 0.255.255.255 एंड एरिया जो है हमारा रहेगा 1। तो एक ही इंटरफेस था हमारे पास में, सॉरी एक ही नेटवर्क था, वो हमने अपडेट कर दिया। अहमदाबाद वाले राउटर पे आते हैं और यहाँ पर भी हमने कॉन्फ़िगरेशन करना है। एग्जिट करते हैं और राउटर कॉन्फ़िगर करते हैं। राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 500। नेटवर्क हमारे पास दो हैं, 1.0.0.0 0.255.255.255, जिसको हम वाइल्ड कार्ड मास्क कहते हैं और ये आपका एरिया 1 से बिलोंग करता है। सेकेंड जो नेटवर्क है हमारे पास में वो है आपका 2.0.0.0 0.255.255.255 एंड एरिया जो है वो 0 रहेगा। ये भी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। जयपुर वाले पे चलते हैं और जयपुर वाले पे भी हमने जाके इसको कॉन्फ़िगर करना। तो एग्जिट करते हैं, राउटर यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर करना है, राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 500। नेटवर्क हमारे पास अगेन दो हैं, 2.0.0.0 0.255.255.255 एंड एरिया जो है हमारा 0 में रहेगा। सेकेंड जो नेटवर्क है हमारे पास है वो है आपका 3.0.0.0 0.255.255.255 एंड एरिया जो है ये 2 के अंदर आएगा। तो ये भी हमने अपडेट कर दिया। फाइनली आ जाते हैं हम दिल्ली ऑफिस और दिल्ली के राउटर पे और इसको भी हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। एग्जिट करते हैं, राउटर ओएसपीएफ और हमारा जो यहाँ पे प्रोसेस आईडी 500 है। नेटवर्क है हमारे पास में यहाँ पे 0.255.255.255 एंड एरिया जो है हमारा यहाँ पे 2 रहेगा। तो ये हमने जो है कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। थोड़ा सा वेट करते हैं बिकॉज इनके बीच में नेबरशिप्स वगैरह जो है वो आपकी इस्टेब्लिश होंगी। यू कैन सी यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, यहाँ पे अभी होना बाकी है और जैसे यहाँ पे भी आपको मैसेज आ जाएगा तो उसके बाद जो है हम आसानी से अपडेट कर सकते हैं, राइट। तो उसको चेक करने के लिए सिंपल एक ही काम कर सकते हैं आप, यहाँ पे आप यहाँ पे कमांड चला सकते हैं शो आईपी राउट, और अगर आपको जो है यहाँ पे ओएसपीएफ के राउट देखने को मिल जाते हैं तो विच मीन्स ये आपका अपडेट हो गया। अगर नहीं मिलते हैं तो विच मीन्स अभी भी जो है आपका अपडेट नहीं आया है, राइट। तो चलते हैं यहाँ पे इस वाले पे देख लेते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पर भी आपका नेबरशिप जो है वो आपका इससे तो अपडेट आ गया, बट अभी ये आ गया आपका दूसरा नेबरशिप भी, यानी अब ये सारे राउटर इस पे भी आ गया होगा। यू कैन सी नेबरशिप एस्टेब्लिश हो गई। तो ओएसपीएफ है तो टाइम लगता है, और अब अगर मैं यहाँ पे शो आईपी राउट कमांड चलाता हूँ तो यू कैन सी हमारे पास में यहाँ पे अच्छा अभी नेबरशिप आ गई, अभी हमारे ओएसपीएफ के जो विजिबिलिटी है वो अभी आना बाकी। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, तो ये देख सकते हैं हमारे राउट जो है वो अपडेट हो चुके हैं।
अब मैं कहां पे हूं, दिल्ली ऑफिस वाले, दिल्ली वाले राउटर पे। मुझे मुंबई वाला जो राउटर है जिसका आईपी एड्रेस है 1.1.1.1, इसकी रीचेबिलिटी मुझे टेस्ट करनी है। सो हम यहां पे पिंग करते हैं 1.1.1.1, तो यू कैन सी 100% रिप्लाई आ रहा है, यानी कि आपकी जो पहली वीपीएन की रिक्वायरमेंट होती है कि आपका पब्लिक आईपी एड्रेस टू पब्लिक आईपी एड्रेस जो है पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फिगर करने के लिए, वो आपका क्लियर होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इस राउटर से ये जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है इसको पिंग करूंगा तो ये रीचेबल नहीं होगा। तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं, 192.168.10.1 करते हैं और पिंग करते हैं, तो यहां पर आपको इसका रिप्लाई नहीं आना चाहिए, बिकॉज हमारा जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस है वो कभी भी एडवर्टाइज नहीं किए जाते। तो यू कैन सी इसका रिप्लाई हमें नहीं आ रहा है, परफेक्ट। अभी हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि ये जो मुंबई का जो लोकल एरिया नेटवर्क है प्लस जो आपका दिल्ली का जो प्राइवेट नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है, ये आपस में कम्युनिकेशन कर पाए बट विद दी हेल्प ऑफ वीपीएन टनल। तो अभी हम यहाँ पे वीपीएन टनल के लिए हमने यहाँ पे क्लास ए का प्राइवेट आईपी एड्रेस लिया 10 का, और यहाँ पे हमें इन दोनों प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को वीपीएन के जरिए एडवर्टाइज करना पड़ेगा। उसके लिए हम ओएसपीएफ का अलग से प्रोसेस आईडी 800 कॉन्फिगर करेंगे, एरिया जीरो रखेंगे, और जितने प्राइवेट नेटवर्क हैं उन्हीं को एडवर्टाइज करेंगे, पब्लिक को टच भी नहीं करेंगे। तो चलिए इसको कॉन्फिगर करते हैं। पहले चलते हैं मुंबई वाले पे, और यहाँ पे जाके हमने पहले तो वीपीएन क्रिएट करना है। तो वीपीएन क्रिएट करने के क्या स्टेप्स हैं उसको देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आपका जो है जीआरई प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि सिंपली आपको समझ में आ जाए। लेटर ऑन जो है हम इसमें आईपी सेक वगैरह का इस्तेमाल भी करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, वीपीएन का टनल क्रिएट करना है। उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं इंटरफेस टनल जीरो, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में हमने इसको एक आईपी एड्रेस कॉन्फिगर करना है। आईपी एड्रेस जो है वो हमारा, हम है मुंबई वाले पे, इस पे रहेगा 10.0.0.1, और उसका जो भी सबनेट मास्क है, हमारे केस में क्लास फुल है तो 255.0.0.1 सॉरी 0, और इसको जो है आप चाहें तो नो शटडाउन कर दो, वर्चुअल कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में आपने इसको बताना है कि जो टनल है उसका सोर्स क्या है। तो टनल कहां से स्टार्ट हो रही है, इस इंटरफेस से, विच इज F0/0। तो ये हमने इसको बता दिया। अब टनल कहां तक जाएगी, इसका डेस्टिनेशन क्या है। अब डेस्टिनेशन तो डेफिनेटली हम इंटरफेस नहीं बता सकते, बिकॉज इसको खुद के इंटरफेस का तो पता होगा, लेकिन दूसरे राउटर के किस इंटरफेस पर जा रहा है नहीं पता होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है ये हम यहां पर एंटर करेंगे, विच इज गोइंग टू बी 3.3.3.2। तो इसको हमने कॉन्फिगर करना है। तो हम यहां पे चलते हैं डेस्टिनेशन में, विच इज गोइंग 3.3.3.2, और इसको जो है हमने यहां पे कर देना है एंटर। तो ये आपका जो है एक क्रिएट हो गया। अब इसके बाद में आप क्या करने हैं, टनल का मोड क्या है, यानी कि कौन से प्रोटोकॉल वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। जीआरई और आईपी बेस हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये हमने कॉन्फिगर कर दिया आपका कहां पर, मुंबई। सिमिलरली यू कैन सी इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, सिमिलरली हम यहां पे कॉन्फिगरेशन करेंगे ऑन दिल्ली साइड पे भी। तो चलते हैं यहां पे भी, चलते हैं ग्लोबल कॉन्फिगरेशन पे, यहां पर भी चलते हैं इंटरफेस टनल जीरो, और उसको जो है हमने देना है आईपी एड्रेस, तो 10.0.0.2 255.0.0.0 एंड नो शटडाउन कर देते हैं। एंड उसके बाद इसमें भी हम यहां पे बताएंगे टनल का जो सोर्स है वो क्या है। तो अगेन इसका जो सोर्स आईपी एड्रेस है, इंटरफेस है, विच इज F0/1, एंड उसके बाद में हम देंगे टनल का डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन हमारा दिल्ली मुंबई ऑफिस वाला जो आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है, विच इज 1.1.1.1, ये कर दिया। और उसके बाद में हमने करना है टनल का मोड क्या है, तो विच इज गोइंग टू बी जीआरई एंड आईपी बेस इंप्लीमेंटेशन हम कर रहे हैं। तो यहां पर जो हमने कर दिया दोनों साइड पे कॉन्फिगरेशन, और अब जो है चेकआउट करेंगे कि इस राउटर से इस राउटर तक ये जो प्राइवेट आईपी एड्रेस जो कि ना तो अहमदाबाद में एडवर्टाइज किया गया ना जयपुर में किया, क्या क्या ये आपस में टनल के जरिए अपडेट एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाएंगे कि नहीं। तो उसके लिए हम पिंग करके टेस्ट करते हैं। तो पिंग करते हैं, मैं यहां पे हूं दिल्ली ऑफिस पे 10.0.0.1, जो कि आपका मुंबई ऑफिस का प्राइवेट नेटवर्क है। तो लेट्स सी कि हमें जो है रिप्लाई आता है या नहीं आता है। तो यू कैन सी यहां पे
फॉर द फर्स्ट टाइम डेटा ट्रांसमिट हुआ बट 60% आया, दोबारा करेंगे तो 100% आ जाएगा। तो यू कैन सी ये रीचेबल हो चुका है। अब ये रीचेबल किससे हुआ उसको भी अगर आप ध्यान से, अगर यहाँ पे जो आपके पास में जो मैसेज आ रहे हैं राइट, उसमें हम चेक कर सकते हैं कि किसके द्वारा जो है वो आपका ट्रांसमिट हुआ। तो उसके लिए इट्स वेरी सिंपल, शो आईपी राउट कमांड चलाएंगे। तो आपका जो 10 का नेटवर्क है ये रहा। अब ये किसके द्वारा रीचेबल होता है, तो ये आपका जो है टनल के द्वारा हो रहा है। तो यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है टनल जीरो, ये आपका टनल जीरो, टनल जीरो यानी कि ये 10 का नेटवर्क ही है जिसके द्वारा जो है ये आपका अपडेट जा रहा है, टनल के जरिए आ रहा है। क्या अभी ये दोनों कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, चलो चेकआउट कर लेते हैं। तो यहां से मैं पिंग कर रहा हूं 192.168.10.2 को, जो कि इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है, जो कि मुंबई में है। तो यू कैन सी यहां पे लिख के आ रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ऐसा इसलिए बिकॉज टनल तो क्रिएट हो गई लेकिन प्राइवेट नेटवर्क्स अभी तक एडवर्टाइज नहीं किए गए। तो चलिए अभी मुंबई पे चलते हैं और यहाँ पे जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं उसके लिए हम अलग से एक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करेंगे। अगेन इट्स गोइंग टू बी ओएसपीएफ ओनली, इसका प्रोसेस आईडी 800 रहेगा। नेटवर्क कौन कौन से हैं प्राइवेट में, तो दो है, एक तो आपका ये वीपीएन का नेटवर्क है विच इज 10.0.0.0.0.255.255.255 एंड एरिया जीरो ही रहेगा। आप चाहें तो एरिया 1 and 2 and 0 कर सकते हैं बट मैं यहां पे एरिया 0 ही कॉन्फ़िगर कर रहा हूं। तो उसके बाद सेकंड नेटवर्क है हमारे पास 192.168.10.0.0.0.0.255 एंड उसके बाद में हमारे पास रहेगा एरिया 0। तो ये भी हमने यहां पे कॉन्फ़िगरेशन डन कर दिया। सिमिलरली हम चलेंगे दिल्ली साइड पे, यहां पर भी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे, देन अगेन राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 800, नेटवर्क दो हैं, अगेन आपका पहला नेटवर्क है विच इज 172.16.0.0.0.255.255 एंड एरिया 0। नेक्स्ट नेटवर्क आपका वीपीएन के लिए जो इस्तेमाल किया 10.0.0.0.0.255.255.255 अगेन एरिया 0। Now we have to wait because हमने OSPF करा है, तो इसीलिए यहाँ पे दोनों के बीच में नेबरशिप जो है वो अपडेट होने का वेट करा। एंड यू कैन सी नेबरशिप आपकी अपडेट हो गई बट किसके जरिए, टनल जीरो के जरिए। यू कैन सी सेइंग टनल जीरो, टनल से ये अपडेट जो है रिलेशनशिप हुआ है। अब आप देखेंगे कि आपका जहां पे पहले मैंने ना तो अहमदाबाद राउटर को टच किया ना मैंने अभी जयपुर को टच किया, हमने सिर्फ दिल्ली वाले राउटर पे काम किया और हमने मुंबई वाले राउटर पे काम किया। अब जहां पे आपका ये अनरीचेबल आ रहा था, अब दोबारा पिंग करेंगे तो हमें रिप्लाई आना चाहिए। अगर आ जाता है तो विच मीन्स हमारा जो वीपीएन है वो परफेक्टली काम कर रहा है। यू कैन सी हमें परफेक्ट रिप्लाई जो है वो मिल पा रहा है एंड यू कैन सी कितना सिंपल है। ना तो इसके पास में अहमदाबाद वाले राउटर के पास में ना तो 10 का आईपी एड्रेस है, ना ही हमारे पास में इसका क्लास बी का आईपी एड्रेस है प्राइवेट वाला, ना ही क्लास सी का आईपी एड्रेस अवेलेबल है, ना अहमदाबाद वाले राउटर के पास ना जयपुर वाले के पास में। यानी कि अहमदाबाद वाला जो आईएसपी है उसको भी नहीं पता डेटा कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, जयपुर वाले को भी नहीं पता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं दोनों का एक बार आपको राउटिंग टेबल चेक करवा देता हूँ। शो आईपी राउट कमांड चलाते हैं एंड यू कैन सी यहाँ पे सिर्फ पब्लिक आईपी एड्रेस है, ये 1 का 2 का एंड 3 का। और मैं इसी तरीके से आपको जयपुर का भी राउटिंग टेबल चेक करवा देता हूं एंड शो आईपी राउट करते हैं। यू कैन सी यहां पर भी 1, 2 and 3 यानी पब्लिक आईपी एड्रेस ही अवेलेबल है इसके अंदर, प्राइवेट आईपी एड्रेस नहीं मालूम है। बट स्टिल आपका जो डेटा है जयपुर से अहमदाबाद से होते हुए जो है वो मुंबई तक जा रहा है, मुंबई की तरफ से अहमदाबाद जयपुर एंड फिर दिल्ली तक जो है वो डेटा पहुंच पा रहा है बिकॉज हमने ये जो दो राउटर्स हैं इनके बीच में हमने क्या करा यहाँ पे वीपीएन टनल, जिसको हम साइड टू साइड वीपीएन टनल कहते हैं, वो हमने यहाँ पे क्रिएट करके देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको समझ में आया, प्रैक्टिकल करके देखें और जितनी भी मैंने इन राउटर्स पे कमांड्स कॉन्फ़िगर करी हैं वो सारी की सारी आपको जो है अगर चाहिए हैं तो आपको वीडियो के अंदर से नोट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम इसी हिसाब से जो राउटर के ऊपर में कमांड्स कॉन्फ़िगर करी गई हैं वो आपको हमारा ये जो स्क्रीन के ऊपर में
आपको ब्लॉग दिख रहा है blog.tjmacad.com, या फिर मैं इसका डायरेक्ट लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर अपडेट कर देता हूं, वहां से जाकर आप पूरा का पूरा कंप्लीट ये लैब को भी डाउनलोड कर पाएंगे, और साथ ही साथ हर राउटर पे कॉन्फ़िगर की गई जो कमांड्स हैं उनको भी आप राउटर वाइज जो हैं वहां से देख सकते हैं, और फिर आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप कि गाइज ये आपको जो है पसंद आया होगा वीडियो, अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, नए हो चैनल पे तो क्या करना है सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के और वीडियोस जो हैं वो आपको मिलते रहें। अगर आप जो हैं एक एथिकल हैकिंग कोर्स सीखना चाहते हैं तो अभी कमिंग सैटरडे को हमारा वर्कशॉप होने जा रहा है, तो आप जो है उस वर्कशॉप के अंदर ज्वाइन करें, उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उस पर ज्वाइन करके सैटरडे को ज्वाइन कीजिए और देखिए कि कितना अमेजिंग चीजें जो है वो आप एथिकल हैकिंग के अंदर सीख सकते हैं। फिर मिलता हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।